सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैं आज आपके लिए थर्सडे स्पेशल एक वीडियो लेकर आई हूँ और आगे भी इस सीरीज़ को जारी रखूँगी। आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले हमारे कानपुर में शिव महापुराण की कथा हुई थी और मैं उसे बराबर सुनने के लिए गई थी। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा जब मैं सुनने के लिए जाती थी, उन दिनों में मेरे अंदर एक अद्भुत जोश था, मुझमें जो एक निराशा सी उत्पन्न होती थी कभी कभी, वो ख़त्म हो गई। मेरी जो बीमारियां मुझे लगती थी, वैसे तो मैं बीमार नहीं रहती हूँ, छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं उनसे मैं खुद ही लड़ लेती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि हनुमान जी की भक्त हूँ। तो जो भी छोटी मोटी बीमारियां थी वो चली गई और मुझे एक सुकून की प्राप्ति होने लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शिव महापुराण के उस ग्रंथ को अपने घर में लेकर आऊं। उस पावन ग्रंथ को मैं लेकर आई और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी महिमा का मैं आपसे क्या बखान करूं। मतलब जो भी उस शिव महापुराण की कथा को सुनता है या सुनाता है या आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, पहले तो आज मैं उसी पर एक वीडियो लेकर आई हूँ और आगे मैं आपको एक एक अध्याय रोज सुनाने का प्रयास करूँगी। अगर आपको सुनना है उस पावन कथा को तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज मैं पहला अध्याय आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें शिव महापुराण की महिमा का वर्णन किया गया है। दोस्तों, मैं जो पुस्तक लाई हूँ वो गीता प्रेस से छपती है, उस पुस्तक को मैंने ख़रीदा है। आप मेरी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में शिव महापुराण के कई उपायों को अपनाया है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी ताकि आप भी उन्हें अपने जीवन में अपना सकें। लेकिन आज आपको शिव महापुराण की कथा सुनने से होने वाले लाभों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि पहले आप लाभ सुनेंगे तभी आप आगे उस पर अमल करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले वही मनुष्य इसे सुनता या पढ़ता है जिसे स्वयं शिव शंभु चाहते हैं या जिसे अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, जिनके ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है, वो ही इस कथा में प्रीति रखते हैं। वो व्यक्ति महाभाग्यशाली होते हैं। जो महाभाग्यशाली लाइन पे मैं आपको बहुत जोर देकर बोल रही हूँ, ये शिव महापुराण में वर्णित पंक्ति को मैं एज इट इज़ आपको पढ़कर सुना रही हूँ। यानी कि अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप पर शिव शंभु की विशेष कृपा है और शिव शंभु चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। दूसरा, शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि इस कथा को सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तो उसमें राजसूय यज्ञ की महिमा का वर्णन है कि उस यज्ञ को करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती। एक राजा तब तक राजा नहीं माना जाता था जब तक इस यज्ञ को नहीं कर लेता। तो समझ लीजिए कि शिव महापुराण की कथा अगर आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी, यानी कि लाभ की प्राप्ति होगी। इसका श्रवण करने से भगवान शिव उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ आपको बता रही हूँ ना, मैं स्वयं इसे शिव महापुराण के प्रथम अध्याय के अंतर्गत आपको पढ़कर सुना रही हूँ और खुद भी उसका श्रवण कर रही हूँ ताकि मुझे भी लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले। शिव महापुराण की कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवलोक की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो इस पुराण की कथा सुनने से वो नष्ट हो जाती है। और गरुड़ पुराण अगर आपने पढ़ा हो और उसमें बताया गया है कि पाप करने से कौन कौन से दंड मिलते हैं, तो आप उनसे मुक्त हो जाएंगे और आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, जो बहुत ज़रूरी भी है। दोस्तों, आप शायद इस चीज़ को कुछ लोग नहीं मानेंगे कि हम अभी के समय का सोचे, आगे का क्या जानेंगे, मरने के बाद की गति क्या होती है ये हमें क्या पता। लेकिन हम जब अभी से अच्छे कर्मों को करेंगे तो मरने के बाद की गति अच्छी ही होगी और हमें इस सांसारिक मोह माया से
मुक्ति मिल जाएगी, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। मनोकामना की पूर्ति वाली लाइन पे विशेष जोर दे रही हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी प्राणी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से 3 महीने में क्या प्राप्ति हो जाए, ये तो स्वयं शिव शंभु जानते हैं। यानी कि आपकी हर मनोकामना की पूर्ति देवादि महादेव स्वयं करेंगे, ये शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी मनुष्य इस पुराण का एक भी श्लोक आधा भी उसका आधा या एक क्षण भी इसकी महिमा का श्रवण कर लेता है तो उसके शरीर से सारे रोग चले जाते हैं, उसके घर में लक्ष्मी माता की कृपा होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है और उसके घर में देवाधिदेव महादेव की कृपा होती है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ये कथा कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। आपको जितनी भी बातें मैं पढ़कर बता रही हूँ, ये सामने मेरे शिव महापुराण की पुस्तक रखी है, उसी से प्रथम अध्याय आपके लिए पढ़कर सुना रही हूँ और आपको इसका लाभ देने के लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे सुनने वाले जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं उन पर महादेव की विशेष कृपा हो। अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। आप अगर शंकर जी की इस कथा को सुनते हैं तो हनुमान जी भी आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे, हैं तो दोनों एक ही रूप ना। आप किसी को भी मानिए, आपको दोनों की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे कहने पर इस कथा को सुनकर देखिए, आपके जीवन में 3 महीने में क्या परिवर्तन आए ये तो मेरे बाबा ही जानते हैं, मेरे महादेव ही जानते हैं, मेरे हनुमान जी ही जानते हैं। तो अगर आपको इस कथा को सुनना है तो रोज़ मेरे साथ एक अध्याय को सुनिए। कल मैं आपको शिव महापुराण का दूसरा अध्याय एज इट इज़ पढ़कर सुनाऊंगी, खुद भी लाभ लूंगी और आपको भी उसका लाभ देने का प्रयास करूंगी। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूं। अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूं कि बाबा मेरे, जो भी भक्त आपकी इस कथा को सुने पढ़े, जो भी आपको सच्चे दिल से याद करे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।